कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ से होके आया मैं, जितने स्टेशन से होके आया, जो पब्लिक मूड है, जो एक्सप्रेशन बाहर मिलता है, कंपटीशन की बात है नहीं, फ्रेम में है बहुत लोग, लेकिन किसी के साथ इमीडिएट कोई कंपटीशन है मुझे नहीं लगता। तो 10 साल के वैक्यूम के बाद आज ये इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, आज लास्ट फेज है और आप खुद कैंडिडेट है, तो आप क्या मैसेज देंगे? एक नया माहौल है, उत्साह भी है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है। ये इतनी देर बाद आप इलेक्शन कर रहे हो और यूटी में कर रहे हो, तो जो लोगों की आशाएं अपेक्षाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या आगे आने वाली असेंबली का उसमें कुछ रोल होगा, और अगर रोल होगा तो क्या नई दिल्ली मेहरबान रहेगी कुछ मामला, इस तरह के कंसर्न्स हैं। और डेवलपमेंट कंपोनेंट को लेके तो लोगों में शायद ये एक सेटिस्फेक्शन है कि तरक्की बढ़ेगी ही, अमन भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या आईनी और सियासी हुकूक मिल पाएंगे वो देखने की बात। क्या मुद्दे लेके आज आप सिलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो क्लियर ही है कि जो 10 साल की जो एक कोर्सिव पॉलिसी रही है यूनियन गवर्नमेंट की, और एक यूनिलेटरल डिस्कोर्स रहा है, तो उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट है, और मेजॉरिटी उसको समझती है कि एक हमारे साथ एक विश्वासघात है। एक मुद्दा तो वो है, दूसरा मुद्दा ये है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट आज तक बिल्कुल था ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे, आज जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो शायद जो उसमें डेफ्थ रहेगी और जो रिजल्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग, यानी कि यू आर पंपिंग मनी एंड यू रश टू इट एंड से दैट इट्स अ डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का एक होता है आधार होता है, उस आधार को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही देख पाती है। निजाम साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि वो डिवाइड है और वो चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा? नहीं, चैलेंज कहीं है नहीं, हमारा एक अपना वोट बैंक है, कंसॉलिडेटेड है, और जो मैंने कहा आपको माहौल है, माहौल तो इन चीज़ों में जाता नहीं है, जहाँ वो पैदा हुए हों वहाँ कुछ वोट बटोरे या इधर उधर एक हाथ तो जाता ही जाता है, लेकिन जो माहौल है, माहौल का वोट तो मिलेगा वहीं जहाँ जाना है। आप एलायंस के कैंडिडेट हैं, आपको लगता है वो ट्रांसफ़र होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपकी ओर? नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कमिटेड कार्डर रहा है, वो लॉयल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो, कुछ लोग तो इधर उधर आते ही जाते हैं, वो एक सबकॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स का एक ट्रेट है, लेकिन कमिटेड कार्डर तो वो डालता ही डालता है, बिल्कुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। निज़ाम साहब, कुछ अप्रिहेंशंस रही है आपकी तरफ से, अगर रिजल्ट कुछ आ रहा है क्या आप उसमें मुतमईन होंगे? देखिए, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मुतमईन हूँ, हालांकि कुछ वाकयात ऐसे हुए जहां लगा कि स्टेट पावर एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है, वो कुछ इंडिविजुअल्स के ज़रिए कर रहा है कि कोई स्टेटेड पॉलिसी है, ऐसा मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन विजिबली देयर वेयर सर्टेन फोर्सेज जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, ही कंट्रोल नाइट्स, ही देयर वॉज ए टेरर लेट लूज एट सम प्लेसेस, देयर वॉज होलीगेडिज एट मैनी प्लेसेस, एंड दे ऑल्सो कोर्सड आवर पीपल। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है यूथ का ताहिर, उसको ले गए, 5 लड़कों को ले गए, दूसरों को कुछ नहीं किया, उन्होंने गुंडागर्दी भी की, विशेष भी किया इलेक्टोरल प्रोसेस को, और स्टेट पावर को बदनाम भी किया। वो समझते हैं, कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर स्टेट उनके लिए काम करे दे आर परहैप्स इंटाइटल्ड, दैट्स अनफॉर्चुनेट। थैंक यू।